हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर यूट्यूब प्रिपरेशन चैनल। दोस्तों, मैं रुबेल और मैं आज आप सबके सामने आसाम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एग्जाम ग्रेड फोर का यानी पेपर वन जो 27 अक्टूबर को हुआ था उसका सॉल्व क्वेश्चन पेपर लेके आया हूँ। तो आप लोग पूरा वीडियो एंड तक देखना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और देखो, ऑनलाइन क्लासेस चल रहा है फॉर सीटेट 2024, साथ ही साथ अब बीएड फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम के लिए भी। तो आप लोग ज्वाइन कर लो रुबेल सर अकेडमी। ज्वाइन करने के लिए आपको मंथली फीस ओनली 300 रुपीज़ पे करना होगा थ्रू UPI यानी फ़ोनपे, जीपे या पेटीएम से 9101467653 इस नंबर पे पे करके इसका स्क्रीनशॉट मेरे व्हाट्सअप नंबर पे भेज देना। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9101467653, ताकि मैं आपको ग्रुप में ऐड कर सकूं। सो शुरू करते हैं आज का जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर वन, व्हिच वर्ड इज द एंटोनिम ऑफ द अराइवल। तो अराइवल मतलब पहुंचना, इसका एंटोनिम क्या है, ऑपोजिट मीनिंग, कॉन्क्वायर, एनिमी, डिपार्चर या वेलकम। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी यानी डिपार्चर। क्वेश्चन नंबर टू, चूज द करेक्ट पंक्चुएशन मार्क फॉर द सेंटेंस हैव यू सीन माई स्कूल बैग। तो चार ऑप्शन दिया है, तो कौन सा सही आंसर होगा। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी यानी क्वेश्चन मार्क। तो इधर क्वेश्चन पूछा है इसलिए ये क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन नंबर थ्री, आइडेंटिफाई द अप्रोप्रिएट कलेक्टिव नाउन फॉर बीस, हर्ड, स्वर्म, ग्रुप या बंच। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी यानी स्वर्म। क्वेश्चन नंबर फोर, व्हाट डज हैंग अप द बोट मीन्स। सही आंसर होगा कौन सा, आप लोग देख लो एक बार ऑप्शन सर। प्लेस द बोट फॉर क्लीनिंग, किल समवन बाय हैंगिंग, रिटायर फ्रॉम एक्टिव लाइफ या पीस आफ्टर ए वार। सही आंसर होगा ऑप्शन सी यानी रिटायर फ्रॉम एक्टिव लाइफ। क्वेश्चन नंबर फाइव, आइडेंटिफाई द सिनोनिम ऑफ द एक्यूरेट। एक्यूरेट का कौन सा सिनोनिम है, टोटल, पेडिग्री, सिंसियर या करेक्ट। सही आंसर होगा ऑप्शन डी यानी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर सिक्स, व्हिच इज द करेक्ट स्पेलिंग फॉर एन एनुअल डेट लिस्ट। तो कौन सा करेक्ट स्पेलिंग है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, CALENDER, कैलेंडर। क्वेश्चन नंबर सेवन, फिल इन द ब्लैंक्स, यस्मिन, तो देखो रिक्वेस्टेड, प्रोमिस, सजेस्टेड या इंसिस्टेड। तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी यानी इंसिस्टेड ऑन पेइंग द बिल फॉर हर होल ग्रुप। क्वेश्चन नंबर एट, व्हिच वर्ड इन द फॉलोइंग लिस्ट इज वर्ब। तो वर्ब इज ए एक्शन वर्ड, तो देखो कौन सा वर्ब है, रन, ब्लैक, फास्टर या ह्यूमन। सही आंसर होगा ऑप्शन ए यानी रन। क्वेश्चन नंबर नाइन, व्हिच सिंगल वर्ड वुड मीन द सेम एज अंडरलाइन पोर्शन। देखो, द वैक्सीन मेड द पर्सन रेजिस्टेंट टू इन्फेक्शन फ्रॉम COVID-19 वायरस, इम्यून, हेल्दी, डॉक्टर या मेडिसिन। सही आंसर होगा ऑप्शन ए यानी इम्यून। आइडेंटिफाई द प्रीपोजिशन इन, द मैन इज स्लीपिंग ऑन ए कॉट। तो कौन सा प्रीपोजिशन है, ऑन मैन इज द। सही आंसर होगा ऑप्शन ए यानी ऑन। क्वेश्चन नंबर 11, व्हिच किंगडम ऑफ द इंडिया इन्फ्लुएंस द एक्सटेंडेड टू साउथ ईस्ट रीजन। चौहान, राजपूत, गुप्ता या चोला। सही आंसर होगा ऑप्शन डी यानी चोला। क्वेश्चन नंबर 12, व्हिच ऑफ द मुस्लिम कमांडर डिड मुला गब्रू फाइट विद। तो मुला गब्रू किसके साथ फाइट किया था। सही आंसर होगा देखो ऑप्शन बी यानी तुर्बक। क्वेश्चन नंबर 13, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज द नीति आयोग रिप्लेस। नीति आयोग को किसने रिप्लेस किया, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, SSC यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी UPSC या प्लानिंग कमीशन। सही आंसर होगा ऑप्शन डी यानी प्लानिंग कमीशन। तो यह सब क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था। क्वेश्चन नंबर 14, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैपिटल सिटी ऑफ द छत्तीसगढ़। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए यानी रायपुर। क्वेश्चन नंबर 15, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है, अलेक्जेंडर द ग्रेट वॉज फ्रॉम व्हिच एंशियंट किंगडम, पर्शिया, बाइजेंटाइन, मैसिडोनिया या ओटोमन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी यानी मैसिडोनिया। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो आप लोग और ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर लो। थैंक यू सो मच।